नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। मथुरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक प्रधान रामवीर सिंह की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। वहीं कोखिलवान परिक्रमा मार्ग में ताबड़तोड़ फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। बता दें कि रामवीर सिंह कोखिलवान शनिदेव की परिक्रमा करने आए थे। रामवीर सिंह पैगाव के मौजूदा प्रधान थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तो मथुरा से तस्वीरें सामने आई, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग में ग्राम प्रधान को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि मथुरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक प्रधान है रामवीर सिंह, जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाश आते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं, वहीं मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि कोकिलवान परिक्रमा मार्ग में ताबड़तोड़ फायरिंग से अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद शनिदेव की परिक्रमा करने के लिए यहां पर प्रधान रामवीर सिंह पहुंचे थे, तभी उन पर हमला कर दिया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है, आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रामवीर सिंह पैगाव के मौजूदा प्रधान थे। तो मथुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक की हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग में लखनऊ के माल थाना क्षेत्र के गांव दनौर के रहने वाले राकेश की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों का कहना है कि राकेश खेत में पानी लगाने गया था। देर हो जाने के बाद जब राकेश घर नहीं आया तो उसे ढूंढने गए, जिसके बाद सुबह करीब 7 बजे उसकी मौत हो गई और उसकी खबर सामने आई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आगरा में दूसरे दिन भी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क कर वोट मांगा। इस दौरान सीएम ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख शलीम चिश्ती की दरगाह पर चादरपोशी की। जनसंपर्क की शुरुआत आगरा की खैरागढ़ विधानसभा सीट से की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगरा खैरगढ़ से रामनाथ सिकरवार, ग्रामीण सीट से उपेंद्र सिंह, फतेहपुर सीकरी सीट से हेमंत चाहर को प्रत्याशी घोषित किया गया। इस समय पूरे प्रदेश में बदलाव की बयार बह रही है। आम जनता है, अपने मुद्दे की चुनाव लड़ना चाहती है। आम जनता महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है, चाहे डीजल के भाव हो, चाहे पेट्रोल के भाव हो, चाहे गैस सिलेंडर के भाव हो, चाहे वो खाद की बात हो, इस सब महंगाई से बेहद त्रस्त है। और नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त है। परीक्षाएँ तो होती है, उसके पहले पेपर लीक हो जाता है, रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आ जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती। इससे यहाँ के नौजवान काफ़ी दुखी भी है और सरकार से नाराज है। तो पूरे प्रदेश में बदलाव की बयार चल रही है। पीलीभीत में पूरनपुर विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी आरती महेंद्र ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उनका कहना था कि उनके ससुर की तरफ से विकास किया गया है जो उनको जीत दिलाएगा। आपको बता दें कि आरती महेंद्र सपा की पूर्व विधायक प्रीतम राम की पुत्रवधू हैं। साथ ही इस मौके पर उनका कहना था कि वो अपने ससुर से अधिक विकास कार्य कराएंगे। आपको बता दें कि नामांकन के तीसरे दिन ये किसी प्रत्याशी की तरफ से पहला नामांकन पत्र दाखिल किया गया। विकास के लिए लड़ेंगे सर, काम हमारा तो काम बोलेगा, देखना आप पूरनपुर में पार्टी के लिए। जो प्रत्याशी और प्रत्याशी मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, क्या संदेश है? क्या कहना चाहूंगी, आप देख लेना आगे चलकर। आपकी लड़ाई किससे है? नहीं, किसी से नहीं, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, बस जनता हमारे साथ। हाँ, जनता हमारे साथ है। आप देखना, पापा ने जितना काम किया उससे ज्यादा हम काम करके दिखाएंगे आपको।
उन्नाव के कलेक्ट्रेट में नामांकन कराने पहुंचे सपा और बीजेपी के प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। सपा से सदर प्रत्याशी अभिनव कुमार और अंकित परिहार विधानसभा भगवत नगर से चुनाव के लिए नामांकन कराने कलेक्ट्रेट में पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सफीपुर विधानसभा प्रत्याशी बाबालाल दिवाकर और मोहन विधानसभा से ब्रजेश रावत ने बीजेपी की ओर से अपना नामांकन कराया। नामांकन कराने पहुंचे सपा से अभिनव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बार वो अखिलेश यादव के किए गए वादों के साथ चुनाव में उतरे हैं। वहीं सपा के भगवंत नगर से प्रत्याशी अंकित परिहार ने बताया कि इस बार का चुनाव किसानों की समस्याओं को लेकर होगा। वहीं पर्चा दाखिल करने पहुंचे बीजेपी से बाबालाल दिवाकर सफीपुर प्रत्याशी ने बताया कि इस बार भी चुनाव सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के नाम पर लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। सिद्धार्थनगर जिले में कपिलवस्तु विधानसभा से घोषित समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजय पासवान के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर सपाइयों में काफी जोश के साथ उत्साह भी देखने को मिला। पूरे विधानसभा में स्वागत समारोह हुआ। सपा से घोषित प्रत्याशी विजय पासवान 2012 में सपा से निर्वाचित हुए थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा ने इन्हें दोबारा प्रत्याशी बनाया था, लेकिन ये बीजेपी से चुनाव हार गए थे। इस बार भी सपा ने इन्हें कपिलवस्तु विधानसभा से टिकट देकर मैदान में उतारा। इनका दावा है कि इस बार कपिलवस्तु विधानसभा के लोग इन्हें जरूर जिताएंगे और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिससे प्रदेश के साथ जिले का विकास हो सके। इस बार हमारे नौजवानों किसानों माताओं बहनों का जो उम्मीद योगी सरकार के लोगों ने इनके विधायक इनके मंत्री इस सरकार के लोगों ने सुखचैन जो छीना है सबका अधिकार छीना। मेरा नेता दड़ी अखिलेश यादव जी हमको अपना प्रत्याशी बना के फिर से भेजा है, क्योंकि 2022 में पूरा उत्तर प्रदेश में मेरे नेता दड़ी अखिलेश यादव का जनाधार बढ़ते जा रहा है। हर तरफ जो भी प्रत्याशी बन के जा रहे हैं अपने विधानसभा में, वहाँ के नौजवान बूढ़े बुजुर्ग हर समाज के लोग अपने नेता के बनाए हुए प्रत्याशी को अपने सर पर बिठा अपने गले लगा के सब लोग साथ देने का वादा कर रहे हैं। बदायूं की दातागंज सीट पर चुनाव को और भी बेहतर बनाने के लिए डोर टू डोर अभियान चलाकर मतदाताओं को रिझाने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में बसपा प्रत्याशी रचित गुप्ता ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि युवाओं का बड़ा जन समूह बसपा के साथ है। और क्या कुछ कहा रचित गुप्ता ने, सुनिए। जिस तरह से बदायूं की राजनीति किस तरह से रंग पकड़ रही थी, देखना यह था कि सभी दलों में एक तरह से मंथन था और वो अटकलें जो है कल समाप्त हुई हैं। सभी दलों ने अपने अपने जो है प्रत्याशी मैदान में वो घोषित कर दी हैं। मैदान में डूर टू डूर जाकर के जो है जनसंपर्क में लग गए हैं। अब देखना ये होगा कि 14 फरवरी को जो मतदान है उस मतदान में कौन प्रत्याशी कितना जनता को अपने फेवर में कर पाएगा। बात करेंगे आज 117 विधानसभा की और 117 विधानसभा बीएसपी से रचित गुप्ता यहाँ पर जो है प्रत्याशी हैं, और उनसे मैं जानूंगा कि जो जनता के बीच डूर टू डूर आप जा रहे हैं, जिन कार्यक्रमों को आप कर रहे हैं, उनमें जनता का कितना समर्थन मिल रहा है और जनता के बीच आप जो जा रहे हैं। रचित जी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरह से जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता का रुझान क्या निकल के आ रहा है? धन्यवाद। जनता के बीच में जा रहा हूँ, चूँकि युवा हूँ और फ्रेशर हूँ बिल्कुल, जनता के बीच में जाके मुझे अपूर्व सर्व समाज मुझे बहुत प्यार दे रहा है, बहुत सम्मान दे रहा है और मुझे हाथों हाथ ले रहा है। आप कई वीडियोस देखिए और कई मेरे फेसबुक पे आप पोस्ट देखिए कि कितना जनसमूह है, सब लोग मेरे पीछे चल रहे हैं। और वो मैं चूंकि नेता की तरह काम नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके सेवक की तरह भाई की तरह बेटे की तरह काम कर रहा हूँ और मुझे अपार प्रेम मेरी विधानसभा के लोगों से मिल रहा है। अच्छा, अगर बात विधानसभा की करें तो जिस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, उसमें युवाओं के प्रति आपकी क्या सोच है? हमारी विधानसभा के युवा, सबसे बड़ी बात है सारे युवा उन्हें मुझे अपना आइडल मान लिया है और मैं अपने सभी युवाओं के लिए, सर्व समाज के युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा विज़न लेकर चल रहा हूँ। 100% मैं अपनी विधानसभाओं के युवाओं की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होगा रोजगार की व्यवस्था करूंगा। एक अहम मुद्दा है, अहम बात जो है कि जिस तरह से विपक्षी पार्टियां, एक कहा जाता है कि बसपा का वोट जो है साइलेंट वोट है और एक बड़ा वोट है, तो जिस तरह से विपक्षी पार्टियां वोट बैंक में आपके सेंध कर रही हैं, उनको किस तरह से रोक पाएंगे? किसी भी प्रकार की सेंध नहीं कर रही है
और हर जगह एक्सेप्शंस होते हैं, हमारी पढ़ाई में हमको बताया गया था एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो कुछ एक्सेप्शन हैं, तो जैसे हमारे एक्सेप्शंस हैं वैसे उनके एक्सेप्शंस हैं, वो हमारे साथ हैं और बराबरी कर लेंगे हम, वो तो जो गए हैं उनको जाने दीजिए। और रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड बात है, जिसने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा है कहीं का नहीं रहा है, चाहे वो बड़े स्तर पर रहा हो चाहे वो छोटे स्तर पर रहा हो, उसको सम्मान कहीं और मिलेगा ही नहीं। जो सम्मान बहुजन समाज पार्टी किसी को दे सकती है वो सम्मान उसको वहाँ नहीं मिलेगा, हमेशा उसको तिरस्कृत नज़रों से देखा जाएगा। और 100% ये बात बिल्कुल सही है कि वो लोग आने वाले समय में बसपा का रुख करना पड़ेगा उनको, वो बसपा का ही रुख करेंगे। अच्छा, जिस तरह से देखा जाता है, आपने युवाओं के लिए एक बड़ी रोजगार की बात कही थी कुछ समय पहले, मगर अब देखना ये है कि रोजगार के साथ साथ जिस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा के साथ साथ यहाँ पे कहा जाए एरिया जो है कृषि क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो किसानों के लिए ऐसा आने वाले समय में अगर आप विधायक चुन करके आएंगे तो मुख्य मुद्दा युवाओं से हट करके किसानों के लिए क्या होगा? बहुत अच्छा मुद्दा है, युवाओं को रोजगार मिलेगा चीनी मिल में और किसानों के लिए गन्ने की खेती करने का मौका मिलेगा, तो ये तो बराबर बात हो जाएगी, किसानों के लिए भी हो जाएगी और युवाओं के लिए भी हो जाएगी। अच्छा, और विजन क्या है आपका विधायक बनने के बाद? विधायक बनने के बाद इस विधानसभा को युवा कर दूंगा मैं इसको। मैं तो अभी विधानसभा घूम के देखा कि बहुत पिछड़ी पृष्ठभूमि की विधानसभा है और इस विधानसभा को युवा करने की पूरी कोशिश करूंगा और कर ही दूंगा, आप चिंता नहीं करिए। अच्छा, जिस तरह से देखने को मिला है कि विधानसभा में धीरे धीरे सभी राजनीतिक पार्टियां जो है उनमें विघटन शुरू हो गया, तो क्या लगता है आपकी फाइट किससे है? फाइट में कोई है ही नहीं, फाइट तो होगी नहीं, बस ये जीत की गिनती करनी है अब आप लोगों को, फाइट में कोई नहीं। आप देखिए विक्टन हो रहा है लेकिन कैसे उसको वो कर रहे हैं, किस तरीके से विलय कर, जो लोगों को विलय कर रहे हैं वो सोचिए, वो जो लोग जा रहे हैं वो अपने लिए वोट नहीं ले सकते, वो दूसरे को वोट क्या दिलाएंगे, वो वोट विहीन नेता हैं जो कहते हैं कि हमारे साथ 10,000 वोट हैं 20,000 वोट हैं, खुद तो देखिए उनको खुद कितना वोट ले सकते हैं, वो वोट विहीन नेता हैं जितने भी गए हैं, सिर्फ चेहरा अपना दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक बार आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैन सिंह धोनी जी की टीम गई थी खेलने वर्ल्ड कप, उनको कहा गया था ये नादान बच्चे क्या खेलेंगे, हम भी सब नादान और युवा हैं और 100% विधायकी ये सर्टिफिकेट लेके आएंगे 10 मार्च को हम सब। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ रचित गुप्ता, 117 विधानसभा बीएसपी प्रत्याशी, और इनका मानना है कि जिस तरह से युवाओं के लिए रोजगार की बात कही है उसके साथ साथ जो है किसानों के लिए एक जो है बड़ा यहाँ पर मिशन लेकर के आएंगे, जो एक बड़ी फैक्ट्री लगा निर्माण करेंगे जिससे किसानों को भी बड़ा लाभ पहुँचेगा। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ विजय राठौर, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, बधाई। ललितपुर में तीसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर 226 ललितपुर सदर विधानसभा सीट से बीजेपी रामरतन कुशवाहा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रमेश प्रसाद कुशवाहा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं दूसरी तरफ 227 मेहरौनी विधानसभा से राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने भी अपना नामांकन पत्र जमा किया है। वहीं सुरक्षा को लेकर यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए थे। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। इसी कड़ी में गौरीगंज विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिव प्रसाद कश्यप से हमारे सहयोगी योगेंद्र श्रीवास्तव ने खास बातचीत की। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद के गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र में है। आज न्यूज वर्ल्ड इंडिया आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, अमेठी से सियासत का अगर नाम लिया जाए तो गांधी परिवार का चर्चा होना आम सी बात है। अमेठी वो क्षेत्र है जहां पर इंदिरा गांधी आती रही हैं, संजय गांधी आते रहे, राजीव गांधी यहां से चुनाव लड़े हैं, यहां से राहुल गांधी लड़े हैं, यहां से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा है और ये गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। लेकिन अगर हम 2017 के चुनावों की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, और अगर 2019 की बात करते हैं तो अमेठी क्षेत्र में भाजपा से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 50,000 से अधिक मतों से शिकस्त देकर अमेठी की सीट पर कब्जा किया है और नेहरू गांधी परिवार के गढ़ को तोड़ने का काम किया है। ऐसे में गौरीगंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिवप्रसाद कश्यप जी अब की बार जिला मुख्यालय के गौरीगंज विधानसभा सीट पर कब्जा करने के दावे कर रहे हैं।
तो आइए चुनावी चर्चा में हम शिवप्रसाद कश्यप जी से जानते हैं कि किन आधार पे इनको मतदाता वोट करेगा, किस आधार पे आम आदमी पार्टी की झंडे को बुलंद करने के लिए वो गौरीगंज के विधानसभा सीट पर उतरे। हमारे साथ हैं शिवप्रसाद कश्यप जी। कश्यप जी, क्या सोच के चुनाव के मैदान में आप आ गए? हम आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में बढ़िया काम किया है, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार सब के बारे में जो किया है, बिजली पानी, उसको लेकर के, दिल्ली का मॉडल लेकर के मैं गौरीगंज विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। गौरीगंज विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों को उठा करके जनता के बीच जाएंगे और क्या आधार बनाएंगे? हमारी लड़ाई जो है मुद्दों की ही लड़ाई है, जात पात से हट करके ये मुद्दों की लड़ाई होगी। हमारा कहना, हमारी पार्टी का कहना है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे और बकाया बिल माफ़ करेंगे और किसानी में जो बिजली प्रयोग की जाएगी उसमें कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। दूसरी गारंटी हमारी है, जो नौजवान हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको रोजगार इस सरकार ने नहीं दिया है, उनको हम प्रत्येक वर्ष सरकार बनने पर 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे, जब तक नहीं दे पाएंगे, 5,000 रुपये उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे और 80% उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी दी। जनता इसलिए पसंद करेगी कि दिल्ली में जो वादा हमने किया, हमारी पार्टी ने जो वादा किया, उसको जितना वादा किया उससे ज़्यादा काम करके दिखाया है। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता केजरीवाल की बात पर विश्वास कर रही है और हमारे पक्ष में होती जा रही है। अगर हम दिल्ली NCR की बात करते हैं तो दिल्ली NCR में 70% से अधिक पढ़ो लिखों की आबादी है, जबकि UP की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। तो ऐसे में आम जनता के बीच में जहाँ पे शिक्षा की कमी है, जहाँ पे शिक्षा की सड़क की कमी है, जहाँ पे लोग शिक्षित कम हो पा रहे हैं, बाहर के प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश में कैसे आप जगह बनाएंगे? उत्तर प्रदेश की जनता ने यह साबित कर दिया है कई बार, कांग्रेस के शासन में जब जनता उल्टी है तो कांग्रेस का सफाया हो गया है। उसी प्रकार से जनता समझती है इसको। देखिए, कहा है, हमारे रामायण में कहा है कि हित अनहित पश पक्षी जाना, मानो तन गुण ज्ञान निधाना। मानो की शरीर गुण और ज्ञान की खजाना है। वो अनपढ़ हैं, कम पढ़े हैं, लेकिन फिर भी जानते हैं, अपने मत का प्रयोग सही जगह पर करेंगे। तो क्या मानते हैं कि गौरीगंज विधानसभा की जो विशेष मुद्दे हैं, तो ऐसे में किन मुद्दों को जनता के सामने लेके जाएंगे? पहला मुद्दा तो है फसल जो चरी जा रही है, जानवर जितने छूट गए हैं, आप समझ लिए किसान 10-20 वाला खेत वाला आदमी भी सारी रात जागता है, अपनी फसल की रक्षा करता है। जीव जाए जीव का ना जाए, आदमी मर जाए, सांप काट ले कोई बात नहीं, लेकिन अपने फसल को बचाता है बेचारा। ये मेन मुद्दा है। इससे जो है BJP का भारी नुकसान होगा, BJP शासन से दूर हो जाएगी। इसको क्या मानते हैं? अभी सपा और ने प्रत्याशी घोषित किया है, लेकिन अमेठी में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, और चुनाव के नामांकन की तारीखें नज़दीक हैं, 1 फरवरी से नामांकन चालू होने जा रहा है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि सपा ने कर दिया है, सपा तो 10 साल उनके प्रत्याशी जो पाए हैं टिकट, 10 साल उनका पूरा हो चुका है, उनके बारे में सारी जनता जान चुकी है और सपा के बारे में भी जान चुकी है। वो जो हमारे गारंटी है उसी गारंटी को दोहरा रहे, पृष्ठपोषण कर रहे हैं उनको। वो तो सरकार 2-3 बार 4 बार चला चुके हैं उत्तर प्रदेश में। उस समय इन्होंने बिजली क्यों नहीं माफ़ किया? उन्होंने उस समय बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दे दी? आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवप्रसाद कश्यप जी हैं और गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से ये प्रत्याशी भी हैं। इनका दावा है कि अमेठी जनपद में 4 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी का जीतेगा, लेकिन इंतज़ार करना होगा 10 मार्च को, जब इन प्रत्याशियों की भविष्य की पेटियां खुलेंगी और इनके जीतने की घोषणा होगी। योगेंद्र श्रीवास्तव, लक्ष्मीकांत मौर्य के साथ अमेठी। लखीमपुर से आए तराई किसान संगठन ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी संजय गर्ग के साथ मिलकर एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने वाले हैं
और किसान केवल सिख समाज से ही नहीं होता, अन्य वर्गों से भी होता है। ऐसे में अखिलेश यादव समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने का काम करते हैं। देखिए, किसान की कोई जाति और धर्म नहीं है, किसान की कोई जाति धर्म नहीं है, किसान का धर्म जो है वो किसानी है। और ये देश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस ये एक परसेप्शन बना के लोगों को बांटना चाहती है। हम आज एज ए किसान आपके बीच में सहारनपुर पहुंचे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे समाजवादी पार्टी ने सभी वर्गों को भी सम्मान देने का काम किया। ये एक भले पिछड़ा वर्ग के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग हों या ब्राह्मण, सभी वर्गों को सम्मान देने का काम किया है। उसी में सिख समाज भी उन्हीं सभी का एक हिस्सा है, जिसके अंदर सम्मान देने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। तो हम एक किसान होने के नाते आपके बीच में लोगों से, क्योंकि किसान और व्यापारी एक दूसरे का पूरक है। बरेली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने डोर टू डोर अभियान चलाया, जिसके तहत फरीदपुर में बीजेपी विधायक श्याम बिहारी लाल के लिए लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे, जहां फरीदपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ। साथ ही कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। दूसरे चरण के मतदान को लेकर बरेली में आज फैतपुर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। इस बीच यहां पर कैंपेन करेंगे। आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा का यहां काफिला पहुंच चुका है, साथ ही साथ उनका भव्य स्वागत हो रहा है। ये भाजपा का वो गढ़ है जहां पर अक्सर विधानसभा के दौरान भाजपा के विधायक भारी मतों से जीत होती रही। फिलहाल तो इसको लेकर आप देख सकते हैं कि किस तरह कार्यकर्ताओं में जोश है, साथ ही साथ यहां पर लगातार भाजपा के नारे लग रहे हैं, भाजपा जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदा। फिलहाल आपको ये गढ़ बता दें, ये फैतपुर 122 विधानसभा है जहां अक्सर भाजपा का परचम लहराया है, साथ ही साथ यहां के मौजूदा विधायक श्याम बिहारी लाल हैं जो भारी मतों से जीत हुए थे। फिलहाल तो इस भी एक बार फिर जेपी नड्डा यहां पर उनके लिए वोट मांगने उतरे हैं, साथ ही साथ यहां पर डोर टू डोर वोट मांगेंगे। साथ ही साथ यहां पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं श्याम बिहारी, उनकी जीत का लेकर लोगों से कहीं ना कहीं वोट का निवेदन इंडिया के लिए सोनू सारी। मेरठ के सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के रसूलपुर थाना इलाके में एक बार फिर बीजेपी और उनके प्रत्याशियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। बता दें कि जैसे ही बीजेपी प्रत्याशी का काफिला निकल रहा था, उससे पहले ही आरएलडी के समर्थकों ने झंडे लहराते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जयंत चौधरी के पक्ष में नारे लगाए गए, यहाँ तक कि बीजेपी प्रत्याशी को किराए का यहाँ पर तमाम अपशब्द कहे गए हैं। हालांकि यहाँ दोनों ही पार्टियों के समर्थकों में टकराव होते होते बच गया, दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। विरोध करते हुए किसान की तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर एनडी समर्थक और बीजेपी के समर्थकों में झड़प होती हुई नजर आई है, साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भी नजर आए, जिसको रोकने के लिए पुलिस बल का भी इस्तेमाल यहां पर करना पड़ा है। तो मेरठ की तस्वीरें आप देखें, आप बता दें कि बीजेपी का काफिला यहां पर निकल रहा था, इस दौरान एलडी समर्थक यहां पहुंच गए और जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उधर बीजेपी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, तो ऐसे में वहां पर टकराव दोनों समर्थकों के बीच हो गया। बीच बचाव करने के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। मुजफ्फरपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें किसानों के मुद्दे छाए रहे। अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर को चौधरी चरण सिंह की धरती बताते हुए चौधरी चरण सिंह की विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन जीतकर सत्ता में आता है तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, प्रत्येक फसल के लिए MSP प्रदान की जाएगी, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी, 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान किया जाएगा, इसके लिए फार्मर रिवॉल्विंग फंड बनाया जाएगा, किसानों को ब्याज मुक्त लोन भी दिया जाएगा, समाजवादी पेंशन योजना को फिर से शुरू भी किया जाएगा। मैं इस मौके पर याद दिलाना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे क्या वादे पूरे हुए हैं,
उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर की नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है, इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।